आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सागर ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका छोटा भाई। सो गाइस, आज मैं उस लोकेशन पे आया हूँ जहाँ पे खूनी बधू उर्फ चित्रलेखा, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, और उसको श्राप दिया गया था जिस जंगल में, आज मैं उसी जंगल में आया हूँ। और मैं यहाँ पे फुल नाइट सर्वाइव करूंगा, एक मैं हूँ, एक मेरे साथ कैमरा मैन है, तो मैं यहाँ पे फुल नाइट सर्वाइव करूंगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज को देखने के लिए। क्या वो चीज सच में क्या एक कहानी है, देखते हैं जो भी है, क्योंकि ये तक बताया गया है कि आज भी खूनी बधू चित्रलेखा की आत्मा इसी जंगल में भटकती है, और लोगों का कहना भी है कि हाँ भाई ये रियल है। तो आपका भाई आ गया, और कोई रीजन नहीं है, बस यही रीजन है भाई। आवाज आ रही है किसी की? गाइस, आवाज आ रही है, पूरी क्लियर सुनाई दे रही है मुझको, यहाँ तक आवाज आ रही है मुझे भाई। एक बार लोकेशन क्लियर, कैमरा घुमा दे चारों तरफ। गाइस, इस लोकेशन पे एक मैं, एक मेरा कैमरा मैन के कौन है ऐसा लगा था इस जगह पे भी कोई खड़ा है। देखो भाई, इधर आ जाओ। गाइस, उसी जंगल में घूम रहा हूं मैं, और ये जंगल 3 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। जब से यहाँ पे लोगों को भी डर लगने लगा है, जब से उन्होंने चित्रलेखा की कहानी सुनी है खूनी बधू की, जब से उन लोगों को भी इस जंगल में सच में कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती है, पता नहीं दिखाई देती है क्या, कहानी सुनने के बाद बहम पड़ने लगे जो भी है, बट लोगों ने कहा है कि हाँ भाई यहाँ पे सच में वो चीज सर्वाइव करती है। तो आपका भाई आज वही देखेगा और आप लोगों को दिखाएगा, तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे। कौन है भाई, कौन है? इस तरीके से भाई एक एक चीज कैप्चर करा दे। और गाइस, आप वीडियो को पूरा देखना, जो कि आपको पता चले कि मेरे साथ इस जंगल में क्या होगा और अब तक क्या हुआ है, लास्ट तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। तो गाइस, आप देखते रहना पूरी, और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी तो उस चीज को आपके सामने रखूंगा, क्या वो चीज क्या है भाई। इधर करने का कैमरा। सो गाइस, यार मैंने इतना जंगल कवर कर दिया, यहां से वहां तक मुझे बहम पड़ रहे हैं, काफी एक्टिविटी हो रही है, आवाज भी आ रही है, बट ऐसी कोई भी चीज कैप्चर नहीं हो रही भाई। अगर कोई भी चीज कैप्चर हो या कोई भी एक्टिविटी हो बता देना, क्योंकि गाइस कई बार ऐसा होता है कि वो कैमरा घूमता है दूसरी साइड और मैं दूसरी साइड होता हूँ, तो वो चीज मुझको नहीं दिखती है, बट भाई अगर कैमरे में कोई भी हो तो आप बता देना भाई। उतर करना कैमरा। ओ भाई, कौन है वहां भाई? जा रही हूँ भाई, दिख रही है कुछ? दिख रहा है कुछ? कहाँ जा रही है भाई? गाइस, ये वही जंगल है, आगे और भी जंगल है, और वो जंगलों, ओ भाई कौन है भाई? इधर ही आई थी। गाइस, अभी मैंने उस चीज को इधर आते हुए देखा था चलते हुए, भाई कैमरे में कैप्चर हुई है? हाँ भाई। गाइस, पूरी क्लियर कैप्चर हुई है इस जगह पे, अभी मैंने उस चीज को चलते हुए देखा था। ओ भाई, कौन है वहां भाई? यार कैप्चर तो हो रही है भाई। कौन है? गाइस, पूरी जो खूनी बधू की ड्रेस बताई थी, जिस ड्रेस में जिसको वो शराब था, ओ भाई जा रही है भाई, भाई इधर से, इधर से। कौन है यहाँ भाई? इधर ही आई थी अभी। गाइस, मैंने वापस इसी रास्ते पे उसको आते हुए देखा था, इसलिए मैंने कैमरामैन से कहा दूसरी साइड से चलते हैं।
ओ भाई ओ भाई भाई, ये तो इंसान है, जूते कैप्चर हो रहे इसके। कौन है? ओ भाई भाई इंसान है। ये रही गाइस, कौन है भाई तू? कौन है भाई? कोई लेडीज है? कोई लेडीज है भाई? कौन है ये? गाइस आपकी खूनी वधू। ये रही गाइस, कहानी सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी कहानी आपको बहुत मिल जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। ये रही आपकी खूनी वधू। मैं तो गाइस इस चीज पे आया था क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज सरवाइव करती है। भाई करती होगी कोई चीज, बट मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी। आप लोगों ने खूनी वधू का नाम ले दिया कि खूनी वधू है। ये कहानी भाई सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। मैं आया हूं ना इस जगह पे, क्या मिला यहाँ पे, क्या मिला है? ये आपके सामने ये रही खूनी वधू। कौन है भाई तू? लेडीज है? कौन है भाई? लड़का है कोई? लड़का है। बोल क्या करता तू यहाँ पे इतनी रात को? भाई क्या बोल रहा है? गूंगा लगा भाई। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा, तितर हो जा जल्दी जल्दी, दिखना चाहिए लगा के नकली बार, दिखना चाहिए। ओ भाई गाइस वो पागल लग रहा है, पता नहीं गूंगा लग रहा है, कुछ भी है भाई। दर्द करना लगी भाई। गाइस वो कोई पागल है जो यहाँ पे इसी जंगल में, और गाइस ये वो ही जंगल है जिस जंगल में कहा जाता है कि चित्रलेखा की आत्मा भटकती है खूनी वधू की। बट यहाँ पे कोई भी नहीं है, वो एक पागल लड़का था, मुझे नहीं पता वो यहाँ पे क्या करता, बोल नहीं सकता था इसलिए। ये रहेगी उसकी। अरे भाई ये भी ले जा अपनी। गाइस मैं उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता क्योंकि बोल नहीं सकता। बस आज की वीडियो में इतना ही। गाइस आप लोग इतने ज्यादा कमेंट मत किया करो यार के वहां पे जा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कहानियां ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है।